हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने फोन के अंदर एप्लीकेशंस पर ज्यादा प्राइवेसी कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको Google Play से एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है iobit। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो Google Play से इसे डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर दीजिए और ओपन करने के बाद आप यहाँ जो पैटर्न या जो पिन सेट करना चाहे वो सेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आप जो आपका मर्जी का पासवर्ड है वो सेट कीजिए, उसे रिपीट कीजिए। तो यहाँ वो सारी एप्लीकेशंस हैं जिन पर हम लॉक सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं व्हाट्सएप पर लॉक सेट करता हूँ, इस ऑप्शन को प्रेस कीजिए और जब मैं व्हाट्सएप को दोबारा खोलूंगा तो वो पासवर्ड रिक्वायर करेगा। ये मेथड्स काफी इजी है। अब बात करते हैं iobit इससे ज्यादा क्या कर सकता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड स्वाइप करेंगे तो आपको मिलेगा वहां फेक लॉक। फेक लॉक पर जाने के बाद यहाँ पर दो फेक लॉक्स हैं जो आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेंगे, इसके लिए आपको इसे खरीदना होगा। पर यहाँ चार और फेक लॉक्स हैं जो आपको फ्री मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोर्स स्टॉप वाले फेक लॉक को लगाऊंगा, मुझे इस पर क्लिक करना होगा अप्लाई। अब जैसे ही मैं अपने व्हाट्सएप को खोलूंगा तो वो वहां एक नोटिफिकेशन दिखाएगा कि ये स्टॉप हो चुका है, इस एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर दिया है। अब यहां मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो वो बंद हो जाएगी, पर यहां अगर मैं ओके पर तीन बार क्लिक करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसी के साथ एक और फेक लॉक है, जैसे अगर आप अपने व्हाट्सएप को खोलेंगे तो वो वहां अननोन नंबर से कॉल आनी शुरू हो जाएगी और वो ना तो कॉल उठ पाएगी ना कट हो पाएगी। जब आप मैसेज को पकड़कर कॉल में ड्रैग कर देंगे तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। ऐसे ही एक और है, यहाँ आप कोई भी इमेज सेट कर दीजिए और वहां एक सिक्योर जोन चुन लीजिए। अब जब आप उस सिक्योर जोन पर तीन बार टैप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी। और अगर आप ऐसे ही किसी जोन पर क्लिक करेंगे, जैसे फोटोग्राफ्स के किसी भी कोने में जो सेफ जोन नहीं है, तो ये एप्लीकेशन अनलॉक नहीं होगी। तो ये थे फेक लॉक्स जिससे कोई भी आपके मोबाइल को यूज नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन प्राइवेसी भी मिलती है, इसको अनेबल कर दीजिए और जिस एप्लीकेशन पर आप चाहे उस पर सेट कर दीजिए और फिर उसकी नोटिफिकेशन कोई भी देख नहीं सकेगा, वो प्राइवेट हो जाएगी। इसको अनेबल कर दीजिए और अब मेरी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन कोई पढ़ नहीं पाएगा। यहाँ पे फेस लॉक भी है, इसको सेट करके आप अपने फेस की मदद से ही अपने एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड रिक्वायरमेंट का टाइम भी सेट कर सकते हैं। आप उसका डिले लॉक ऑप्शन में जा सकते हैं और वहाँ चुन सकते हैं कि आपको पासवर्ड हर बार ऐप बंद करके जब दोबारा खोलने में जब चाहिए, या फिर आप एक टाइम सेट कर सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक इस एप्लीकेशन पर लॉक रहेगा या नहीं रहेगा। मेन सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी सेंटर, यहाँ से आप अपने iobit का आइकन ही चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ क्लॉक का आइकन लगाना चाहता हूँ जिसे किसी को पता ना चले मैंने iobit को इंस्टॉल किया है, तो 10 से 15 सेकंड बाद यहाँ अपने आप अलार्म क्लॉक आ जाएगा iobit की जगह। आप चाहे तो इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी सिक्योर कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट कीजिए और एक्टिवेट करने के बाद कोई भी इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा, इन ऑर्डर अगर वो आपके पासवर्ड को खोलना चाहे तो। आप चाहे तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। ये ऑप्शन करता क्या है, मान लीजिए अगर कोई आपके पासवर्ड को तीन बार से ज्यादा बार गलत भरता है तो ये उसका फोटो खुद ब खुद खींच लेगा। जैसे मैंने यहाँ तीन से चार बार गलत पासवर्ड डाला है, अब यहाँ मेरा फोटो खिंच गया है। और अगर मैं दोबारा उसी टैब में जाऊँ, उसी ऑप्शंस में जाऊँ, तो वहाँ गैलरी में मुझे मेरा फोटो मिल जाएगा। यहाँ आप उनका फोटो देख सकते हैं जो आपके पासवर्ड्स को बार बार ट्राई करते रहते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ लॉक टाइप चेंज कर सकते हैं, पिन या पैटर्न इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और आप यहीं से अपने फोन को लॉक कर सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं या चाहे फेस लॉक लगा सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन पर। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि iobit की मदद से आप कैसे अपनी प्राइवेसी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, एप्स पर प्राइवेसी लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।